सबसे पहले हमारे तमाम भोजपुरी दर्शकों को उनके सबसे चहेते हीरो प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम है। और आज शुभ दिन पर शुभ मुहूर्त हुआ है फिल्म लैला मजनू का। तो जैसा कि इसका नाम दर्शा रहा है, इसका टाइटल दर्शा रहा है लैला मजनू, तो कितनी एक्सट्रीम लव स्टोरी होगी, कितनी गहरी और गाढ़ी लव स्टोरी होगी। हम जब भी अगर किसी भी प्रेम कहानी का उदाहरण देते हैं तो हमारे ज़बान पर सबसे पहला नाम आता है लैला मजनू, हीर रांझा, शिरीन फराद, ऐसे हमारे जो एक जो प्रेम करने वाले जिन्होंने एक लीजेंड नाम, जब भी हम किसी भी प्रेम का अगर हम एग्जांपल देते हैं तो इन्हीं का नाम आता है। तो जब टाइटल इसका आप सबको दर्शा रहा होगा कि लैला मजनू कितनी गाढ़ी, कितनी एक्सट्रीम लव स्टोरी होगी। और लव स्टोरीज जहाँ तक की बात करें हमेशा मेरे बहुत दिल के करीब होती हैं, क्योंकि मेरी पहली फिल्म जो ब्लॉकबस्टर थी, फिल्म जीना तेरी गली में काफ़ी पसंद किया गया था, लोगों ने काफ़ी पसंद किया था, तो मुझे उस रूप में ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं लव स्टोरीज़ में। और ये फिल्म की बहुत बड़ी प्लस पॉइंट भी है कि लैला मजनू टाइटल मिला, ये बहुत अच्छी बात है, चूँकि इतने बड़े टाइटल है और इतनी बड़ी हिट फिल्म पहले रह चुकी है हिंदी में, बहुत बड़ी बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी थी। और उसी तर्ज पे हम अलग एक बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी लेकर आ रहे हैं, और काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी कमाल की लव स्टोरी लेकर आ रहे हैं। इस लव स्टोरी में मेरा दावा है कि अब तक ऐसी लव स्टोरी नहीं दिखी होगी भोजपुरी में स्पेशलिटी, क्योंकि लव स्टोरीज़ अब तक आई हैं जो नॉर्मल एक कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लव स्टोरीज रही हैं, लेकिन जहाँ तक की बात है लैला मजनू की, तो उसे हम इस लेवल पर लव स्टोरी को लेके जाने की जो हमारी कोशिश है वो पूरी कोशिश रहेगी। महमूद जी हैं इस फिल्म के डायरेक्टर और हमारे तिवारी जी हैं इस फिल्म के प्रोड्यूसर, तो हम सबका ये सोच है कि इस फिल्म का जो लेवल है लव स्टोरी का और फिल्म मेकिंग का लेवल काफ़ी हद तक ऊपर होगा, काफ़ी खूबसूरत होगा, काफ़ी बेहतरीन होगा, और जल्द ही ये फिल्म आप सबके अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में होगी। शेड्यूल हम लोग बना रहे हैं लखनऊ का, चूँकि वो थोड़ा सा फिल्म का एक पोर्शन है जब जहाँ पे लखनऊ की बहुत बड़े रईसज़ादे, बहुत बड़े नवाब जो होते हैं उनके घराने की कहानी का एक छू रहे हैं इस फिल्म में, तो लखनऊ में पहला सीक्वेंस, पहला पोर्शन इसका पहला शेड्यूल लगेगा। उसके बाद अभी डिसाइड होगा कि कहाँ कहाँ इस फिल्म के शेड्यूल लगाने। जैसा कि आपने कहा कि वादियों, क्योंकि जैसा कि फिल्म का टाइटल है आपका लैला मजनू, इसमें अगर वादियाँ, हिल स्टेशन वैसे नहीं दिखेंगे तो फिल्म अधूरी लगेगी, और ये हम सब की चाहत भी है कि हम कुछ गाने इसके शिमला, मनाली ऐसे जगहों पे जाके करें एक दो गाने। और बस हम सबकी यही प्रयास है कि अच्छी और खूबसूरत फिल्म बने। और जहाँ तक कि मेरी बात है, मैं हमेशा से अपने दर्शकों को मद्देनज़र रखते हुए किसी भी सिनेमा का निर्माण कार्य शुरू करते हैं, हम सभी लोग उस सिनेमा को शुरू करते हैं जो दर्शकों को पसंद आता है, जो दर्शकों को बेहद पसंद आता है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम इस फिल्म का भी शुभारम्भ कर रहे हैं। और मैं हमारे तमाम दर्शकों से ये विनती भी करता हूँ कि अपना असीम प्रेम, असीम आशीर्वाद इस फिल्म के साथ रखें। हम इस फिल्म की शुरुआत करने जा रहे हैं, इस फिल्म का नींव रखने जा रहे हैं हाथ से, तो आप सबका आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य अधूरा है, तो आप सब अपना आशीर्वाद और प्रेम सदा रखें। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम जब भी अगर प्रेम का नाम लेते हैं तो ये वो महान नाम है लैला मजनू, जो प्रेम के सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं, तो हमें पूरी मेहनत करनी है इस फिल्म पर। इस फिल्म के एक्शन सिक्वेंसेज बहुत कमाल के हैं, बहुत बड़े लेवल पर फिल्माए जा रहे हैं, इसके गाने बहुत कर्णप्रिय और बहुत खूबसूरत गाने इसके बन रहे हैं जो काफ़ी खर्चीले हैं, काफ़ी ज़्यादा लेविश दिखने वाले हैं, और इसके सीन्स बहुत प्यारे हैं जो बहुत आपके दिल को छू जाएंगे, इसके सीन्स, इसके सीक्वेंसेस। और हम सभी लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हर इंसान ने अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में एक प्रेम भाव हर इंसान के दिल में होता है, और मेरा ये दावा है कि ये फिल्म उस प्रेम भाव को, उस दिल में जाकर उस प्रेम भाव को झंझोड़ के रख देगा और दिल को छुएगा, और ये हम सब की ये प्रयास रहेगा कि हम एक खूबसूरत फिल्म बनाने में सफल हों। पहली लैला मजनू तो खैर ऐतिहासिक फिल्म है, उसके सपने के वो तो सपना जैसा है, उसके बारे में तो कभी छोड़ दीजिए। एक कहानी आज की डेट की, आज की जनरेशन के लिए है, क्योंकि देखिए आज के जनरेशन सिनेमा देखने जाता है तो हमें ध्यान रखना होता है कि उसको फुल एंटरटेनमेंट करके हम उसको बाहर करें। तो ये कहानी लैला मजनू आज की है। एक कोई काफ़ी लोग कह रहे हैं कि लैला मजनू पुराने, वो टाइटल ने कहा कि मैंने समझाया सबको कि देखिए वो टाइटल हमने यूज़ कर रखा है क्योंकि टाइटल का आजकल चलन है कि थोड़ा सा चलता है। जीना तेरी गली इनकी मतलब माइंड ब्लोइंग पिक्चर थी काफ़ी, मतलब जो तो एक फ्लेवर हमारे यहाँ जैसे साउथ में पहले हिंदी भी चले उस वजह से फ्लेवर चेंज हुआ, तो वो चीज़ें हैं। और कहानी आज की डेट की है और इतनी खूबसूरत लव स्टोरी, उसमें इमोशन, एक्शन,
फुल कॉमेडी, मतलब जो जाएगा अगर कोई कॉमेडी देखना चाहे तो कॉमेडी भी देख सकता है, कोई एक्शन देखना चाहे तो एक्शन भी देख सकता है, कोई रोमांस देखना चाहे, मतलब सारे जितने भी दर्शक हैं जो जिस विभाग से देखना चाहेंगे उस पिक्चर को देख सकते हैं। चलिए दिया मेरे को राजकुमार भैया ने, कहा कि नहीं लैला मजनू है मैंने तो उन्होंने कहा कि हाँ तू कर सकता है, कोई प्यार हो गई तो स्वीट लव स्टोरी बनाया था इनके चाचा के साथ मनोज आर पांडे जी के साथ, बेहतरीन आर्टिस्ट वो भी हैं ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर इन्हें कहा कि तुम लैला टाइटल यूज़ कर रहे हो, लेकिन उन्होंने कहा भैया मुझे बनाने दीजिए ठीक ना। मैंने कहा कि अब हम लोगों ने कम से कम 2 महीना केवल ऑनलाइन बनाने में लगा दिया, काफ़ी मेहनत किया और स्क्रीन प्ले आप नहीं मानेंगे 2 महीने में स्क्रीन प्ले हम लोगों ने एक एक सीन 12 सीन एक एक बार में हम लोग हटा दिए हैं, मज़ा नहीं आया क्योंकि मैंने कहा कि हम अपने तरफ से पूरे फुल अच्छा हो जाएगा उसके बाद तो सिनेमा में देखेंगे। ट्विस्ट तो इतना है ट्विस्ट आपको 10-12 सीन के बाद फिर आपको रिवर्स मिलेगा कि ये अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। ये आज के जनरेशन की जो आज के जो युवा पीढ़ी है जो प्रेम जो लव स्टोरीज आज के हम नए नए लव स्टोरी सुनते हैं, तो ये आज के जनरेशन की लव स्टोरी हमने रखी है, वो ऐतिहासिक लव स्टोरी लोगों ने लैला मजनू हमारे ऋषि कपूर साहब के रूप में देख चुके हैं। अच्छा वो भी चिंटू जी थे, मैं भी चिंटू ही हूँ, और वो इतिहास हम नहीं कहेंगे क्योंकि हम उस चीज़ को नहीं छू सकते हैं, वो हमारे लिए हमेशा से, और ये मेरे सौभाग्य की बात है कि इतना खूबसूरत टाइटल और इस बड़े टाइटल पर हम सबको काम करने का मौका मिल रहा है, हम सब के सौभाग्य की बात है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि अच्छा से अच्छा सिनेमा बन पाए, बेहतर से बेहतर सिनेमा बन पाए, और हमारी जो हमारी सोच है वो आज के युवा वर्ग को लेकर आज के लव स्टोरी को लेकर है, और बाकी देखते हैं हम कितना सफल हो पाते हैं अपने काम में। बेसिकली था कि मेरा जो कास्टिंग था जो मजनू है मनोहर, तो एक चॉकलेटी हीरो मुझे चाहिए था, देखिए कास्टिंग एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, आप अभी नहीं कि अब कास्टिंग कुछ और हो, मुझे शमशेर खान चाहिए तो मुझे शमशेर सर विलन है तो चाहिए, वो मेरे को चाहिए तो चॉकलेटी हीरो मजनू जो चाहिए लैला अगर इतनी जल्दी सामने आए तो फिर।